हेलो नमस्ते एवरीवन। तो चलिए होली स्पेशल एक बहुत ही आसान सा स्नैक बनाते हैं और इसे आप बनाकर काफ़ी दिनों तक स्टोर करके रख सकते हैं। तो एज अ टी स्नैक भी आप इसे सर्व कर सकते हैं। तो आज हम बनाएंगे मूंग दाल की खस्ता करारी पापड़ी। तो ये मूंग दाल को मैंने 2 से 3 घंटे के लिए सोख करके रख दिया है, वॉश कर लिया है। अब इसे चलिए ग्राइंड कर लेते हैं। ग्राइंड करते वक्त बहुत ज़रा सा पानी डालेंगे और कुछ नहीं। तो ये देखिए मूंग दाल का एकदम स्मूथ पेस्ट रेडी हो चुका है। और अभी एक बड़े से बोल में लेंगे हम 2 कप मैदा। आप जितनी क्वांटिटी में इसे बनाना चाहते हैं उसके हिसाब से मैदा लीजिए और आप इसे काफ़ी दिनों तक स्टोर कर सकते हैं। तो जब आप बनाएं ना तो इसे अच्छी क्वांटिटी में बनाएं। फिर इसमें डाल देंगे अजवाइन और खस्ता बनाने के लिए इसमें डाल देंगे ऑयल और फिर वही जाएंगे इसमें रेगुलर के मसाले जैसे कि नमक, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, थोड़ा सा कसूरी मेथी, उसको हम क्रश कर लेंगे। बहुत अच्छा टेस्ट आता है कसूरी मेथी से, तो अगर आपके पास अवेलेबल है तो ज़रूर डाल दीजिए। मूंग दाल का पेस्ट इसमें डाल लेते हैं। तो मैंने 2 कप मूंग दाल भिगोया था, बाकी का मैं किसी और रेसिपी में यूज़ करूँगी। तो अब इसको मिक्स कर लेते हैं। तो मूंग दाल का पेस्ट हम इसमें डाल दें तो पानी का बहुत कम इस्तेमाल करना है और डो इसका बहुत टाइट बनेगा। तो थोड़ा सा पानी की इस तरह से छींटे लगाकर इस तरह से टाइट डो इसका तैयार कर लेते हैं। इसको ढक देंगे 5 मिनट के लिए। तो 5 मिनट के बाद ये डो एकदम तैयार हो चुका है। अभी इसका हम छोटे छोटे लोई इसकी बनाएंगे या फिर आप बड़ा सा इस तरह से पोर्शन लेके इसको छोटे छोटे पार्ट्स में कट कर सकते हैं। अब इसकी छोटी छोटी पूड़ियाँ बना देंगे। बस ये ध्यान रखना है बहुत ज़्यादा मोटा नहीं इसको रोल करना है, ना ही बहुत ज़्यादा पतला। कुछ इस तरह से देखिए इतना इसकी थिकनेस होनी चाहिए और छोटी छोटी पूड़ियाँ जैसा इसको रोल करेंगे। अभी इसमें ना फोक की हेल्प से हम इसमें होल कर देंगे, क्योंकि अगर हम इसमें होल्स नहीं करेंगे तो ये फूल जाएंगी। लेकिन हमें तो खस्ता करारी पापड़ी बनानी है, इसलिए होल्स करना इसमें ज़रूरी है। तेल का टेम्परेचर मीडियम हीट होना चाहिए, यानी मीडियम आंच पे इसे गरम करें और फिर एकदम लो टेम्परेचर पे इसको हमें फ्राई करना है। तो एकदम स्लो आंच पे इसको हम फ्राई करेंगे तो ये बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। एक तरफ से जब फ्राई हो जाए तो इसको हम पलट देंगे और 2 से 3 बार पलट कर इसको अच्छे से फ्राई कर लेते हैं गोल्डन होने तक। थोड़ा सुनहरा कलर इस पर आ जाएगा तब तक हमें फ्राई करना है। तो दूसरा बैच भी मैं फ्राई कर रही हूँ इसमें। तो ये मूंग दाल की खस्ता करारी पापड़ी बनकर तैयार है। आप इसे पापड़ी चाट बनाएं या फिर महीने भर के लिए स्टोर करके रख दें एज अ टी स्नैक, और होली पर भी आप इसे सर्व कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी रेसिपी है, बच्चों को भी ये बहुत पसंद आएगी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसे ट्राई करिए और इसका फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। होली के और भी रेसिपीज़ आ रही हैं मेरे चैनल पर। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।